सभी को नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में, हमारा यूट्यूब का जो चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वार, लेके आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे घर में, हमारे परिवार में कई बार पितृ दोष की नौबत आती है। पितृ बाधा, पितृ दोष जिसके घर में होता है उस घर में बड़ी शांति रहती है। लोग परेशान रहते हैं, कोई काम नहीं बनता, बच्चे शादी हो गए उनके समय पर विवाह नहीं होते, शादी नहीं होती, अगर किसी का संतान नहीं है तो संतान का अभाव हो जाता, संतान नहीं होती है। कोई अगर आप कारोबार करते हैं तो कारोबार भी आपका ठीक तरह से नहीं चलता है। हमारी जन्म कुंडली में पहला स्थान, दूसरा स्थान, पाँचवा, सातवां भाव, नौवां भाव, बारहवें भाव, इन भावों में सूर्य के साथ अगर राहु बैठा है, शनि बैठा है, या सूर्य के साथ केतु बैठा है तो पितृदोष का निर्माण होता है। उसी प्रकार गुरु के साथ में भी अगर राहु, शनि, केतु में से कोई ग्रह बैठा है तो पितृदोष का निर्माण होता है। तो ये जो पितृदोष हैं ये हमारे लिए बड़ा शांति का कारण बनते हैं। पितृदोष को दूर कैसे करें? आप पंडितों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, उपाय करते हैं, लाभ नहीं मिलता, फिर आप कहते हैं कि जी पंडित जी ने बताया, हमने उपाय किया, फ़ायदा नहीं हुआ। तो मित्रों, यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी उपाय करते हैं तो आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आपको वो उपाय फ़ायदा नहीं करेगा। कहना बहुत आसान है, हमने उपाय किया जब लाभ नहीं मिला। लाभ क्यों नहीं मिला? लाभ इसलिए नहीं मिला, आपको उसको पूर्ण विश्वास नहीं है, आपको श्रद्धा नहीं है, इसलिए आपको उसका लाभ नहीं मिला। तो मैं आपसे यहाँ निवेदन भी करूँगा, अगर आपने कोई भी मेरा उपाय जो मैं बता रहा हूँ वो अगर आपने कोई करना है तो उसमें आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर पूरी श्रद्धा के साथ आप उसको करेंगे, आपको 100% उसमें लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिससे पितृदोष की बाधा शांत होती है। पितृदोष की बाधा के मैंने पहले भी वीडियो बना के डाले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, या आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। सारे वीडियो में आपको पितृदोष की जो बाधा है, हमारे घर परिवार जो पितृदोष लग जाते हैं उसकी शांति का विवरण है कि उसको हम कैसे शांत करें और कैसे उसको हम ठीक करें कि हमारे को उससे लाभ हो। सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम घर में खाना बनाते हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, मेरी जो बहुत माता बहनें हैं घरों में वो सब ये गलती करती हैं, तो ये गलती करने से ना ये हमारे घर में पितृदोष भी बन जाता है, जो बना हुआ और बढ़ जाता है। तो जैसे जो माता बहन हमारे घर में जो खाना बनाती हैं तो आटा जो गूंदना है वो साथ साथ गूंदना है, जितना आपने रोटी बनानी उतना ही गूंदना है, और उसको गूंद के उसकी सबकी रोटी बना के उसको ख़त्म कर दो, आटे को खाओ। आटा बचा के फ्रिज में नहीं रखना है, अगर आपने फ्रिज में आटा बचा के रख दिया तो उससे हमारे घर में पितृदोष भी बनता है, क्योंकि वो जो आटा है जब सवेरे निकाल के आपको बनाते हैं वो पिशाच का, जो हम पिशाच बोलते हैं इसको, भूत प्रेत बोलते हैं, वो आटा वो उस तरीके का आटा हो जाता है। तो हमारे घर में जो हम पितरों को जो भोग लगाते हैं उस आटे से, तो वो उल्टा हमारे को नुकसान करता है, इसलिए इसका ध्यान रखें, कभी भी आटा फ्रिज में ना रखें, ताज़ा आटा गूंदें और ताज़े आटे से आप रोटी बनाएं, और अपने घर से पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी कौओं के लिए और तीसरी रोटी कुत्ते के लिए आप ये अवश्य निकालें, ठाकुर जी का भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद फिर आप भोजन को ग्रहण करें, तो आपके घर में शने शने धीरे धीरे जो कोई भी पितृदोष बना हुआ है वो सब स्वतः ही धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय बताता हूँ, एक आप एक कटोरी लें, उस कटोरी में गाय के घी से मध्यमा और अनामिका, ये दो उंगली होती हैं, इनसे एक स्वास्थ्य का निशान बनाएं कटोरी के अंदर, और उसमें आप गेहूँ भर दें, उसके ऊपर आप एक सूखा नारियल सफ़ेद कपड़े में बांध करके रख दें, और उसके साथ में आप एक मिट्टी का छोटा सा कलश लें, उस कलश के ऊपर वो कटोरी को रख दें, और जहाँ उसको रखना है थोड़ी एकांत जगह पर उसका सफ़ेद पर्दा लगा दें वहाँ पे, और उसको ढक के बिल्कुल सफ़ेद पर्दे से वो जो मटका है, मटके ऊपर जो आपने कटोरी गेहूँ से भर के रखी है उसको वहाँ रख दें, और उसको आप जो है ना 41 दिन तक देसी घी का दीपक जला करके लगातार और उसकी सेवा करते रहें। आप ये देखते रहें कि जो हमने जल भर के रखा है मटके में वो कहीं सूख तो नहीं गया, अगर जल सूख गया है तो उसमें और जल डालते रहें, उसको सूखने ना दें,
जल बीच बीच में चेक करते रहें कि उसमें सूखा तो नहीं है, अगर जल सूख गया है कम हो गया तो उसमें और जल भर दें, और जल सूखना नहीं चाहिए। तो 41 दिन तक आप देसी का वहाँ दीपक जलाएंगे और उसके बाद में आपके घर में धीरे धीरे करके पितृबाधा अपने आप शांत होती चली जाएगी, ऐसा मेरा बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास है। आप इसको श्रद्धा से और नियम से करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। वीरवार को और शनिवार को ये दो दिन होते हैं तो जो कोढ़ी रोग होते हैं, जो कुष्ठ रोगी होते हैं, अगर आप उनको भोजन कराएंगे तो आपको घर में पितृबाधा से मुक्ति अवश्य मिलेगी। वीरवार शनिवार आपने कोढ़ियों को भोजन कराना है। हर अमावस्या को आप गाय को 3 प्रकार के फल मिला के खाना, 3 तरह के फल कोई से भी ले लें आप, और हर अमावस्या को और गाय को वो 3 तरह के, चाहे बेशक आप एक एक फल खिलाएं लेकिन 3 तरह के अलग अलग फल होने चाहिए। अगर आप गाय को 3 तरह के फल खिलाते हैं तो आपके घर में पितृबाधा अवश्य ही शांत होती है। हर अमावस्या को आप ब्राह्मण को भोजन करा के और पूरी श्रद्धा के साथ उसको दक्षिणा भी दें और उसका आशीर्वाद पूरा परिवार लेगा तो आपके घर में पितृबाधा धीरे धीरे करके शांत हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम का जो आपका कोना होता है घर का, उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दीपक में थोड़े से आप काले तिल डाल दें और शाम को आपने ये दीपक जलाना है। आप अगर दीपक जलाएंगे तो आपके घर में धीरे धीरे करके पितृबाधा शांत हो जाएगी। एक दोने में थोड़ा सा आप दही लें, उस पर थोड़े काले ओडर डाल करके एक नारियल सूखा हुआ अपने ऊपर उतारा करके और वो सारा सामान अगर चौराहे पर उठा के रख देंगे तो आपकी धीरे धीरे करके घर में से पितृबाधा शांत हो जाती है। तो ये जो मित्र मैंने जो आपको बताए हैं, ये पितृबाधा के कुछ थोड़े से उपाय हैं कि हमारे घर में जो पितृदोष होता है, पितृबाधा होती है, हमारी कुंडलियों में पितृदोष बनता है। मैंने आपको बताया है कि पहले भाव, दूसरे भाव, पाँचवें भाव, सातवें भाव, नौ भाव या 12 भाव में सूर्य के साथ राहु हो, शनि हो या केतु हो, गुरु के साथ राहु हो, शनि हो, केतु हो, इनसे भी पितृदोष हमारे घर में बनता है, हमारी कुंडली में बनता है। कुंडली में बनेगा तो वो हमारे ऊपर भी बनता है और उसका असर हमारे पूरे परिवार के ऊपर होता है। तो ये पितृदोष उपाय के मैंने कुछ आपको वीडियो बनाया है, उपाय के लिए आप इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई सुविधा असुविधा है किसी तरीके की, आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ये सवाल भेजें या मेरा इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पर मैसेज दें, आपको उसका समुचित उत्तर दिया जाएगा और आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी किया जाएगा। जन्म कुंडली से संबंधित आपको कोई परेशानी है तो अपने डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजें और मैं उसका विश्लेषण करके जन्म कुंडली का और उसमें जो कुछ दिक्कत कोई परेशानी है तो आपको अवश्य बताऊँगा और आप उपाय करें तो आपको उससे आशातीत लाभ होगा। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा आपके द्वार, इसको देखें, हमारे वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट में हमें कुछ अपने सवाल जवाब या जो भी आपके विचार हों दें और इसको सब्सक्राइब आप जरूर करें ताकि आपको आने वाला वीडियो जल्द से जल्द मिले। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।